अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं खुश कुदरत और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं। क्या है भाई, बैन ऑन पाकिस्तानी वीजा इन यूरोप, ये कब हुआ? ये तो हो नहीं सकता है। फनी पाकिस्तानी एंग्री रिएक्शन, नहीं इस तरह पॉसिबल नहीं है, मुझे लग रहा है झूठ होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। शायद हो, ये भी हो सकता है। चीप लेबर जो है सारा एशिया से ही जा रहा है वहाँ पे, तो ये अगर ये बैन करेंगे, भाई वो एशिया की बात नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की बात, तो मतलब एशिया के मुल्क में पाकिस्तान भी आ रहा है ना जमीन पे। तो आज कहते वीडियो को करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो मेरा है कहने लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नतीजे सामने आने लगे। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। जोड़ तोड़ इल्जाम तराशियों का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब कुछ नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान को हर तरफ से गेट आउट कर दिया जाता है, पता नहीं क्यों। बड़े वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ आके हवस के मारे सोनीटो से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहाँ आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें काड़े हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक और कांड कर दिया। बड़ी अफसोसनाक बात है हमारे लिए, और एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बिल्कुल शर्म की बात है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? नहीं। दुनिया जानती है कि तुम लोग भिखारी हो, दुनिया ये जानती है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग चार चार बार FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुके हो। और सुने, पाकिस्तानी एक ऐसी कौम तो नहीं है, हुजूम है, जो जहाँ भी जाता है लोग बोलते हैं चल चल निकल आगे बढ़। पाकिस्तानियों की जिस तरह की हरकतें हैं, पाकिस्तान पे वीजा बैन किए जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक भी खड़े और इंडियंस पे नहीं खड़े, इस तरह से इंडियंस राज करेंगे दुनिया पे। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, जज्बा हो तो सब कुछ बना रहता है। बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। पाकिस्तान के मां बहन मजा आया। मैंने भी अभी रिसेंटली ये न्यूज देखी है फेसबुक पे, तो बड़ा दुख हुआ है ये सुन के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, कि हमारे पाकिस्तान का अब ये हाल हो गया कि लोग जो है ना वो बाहर पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं। और नहीं तो क्या, पाकिस्तान को हर तरफ से लात गुस्से छितर पता नहीं क्या क्या मिलते हैं यार। पाकिस्तान को ही गिरवी रख दिया, अब जापान से, कभी यूरोप से, पता नहीं कहां कहां से, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी कहां से। और आपको पता है 90% बैगर्स पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया की जेल में बंद। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की को सबसे पहले इंडियन मीडिया लेटेस्ट ने दिखाया था कि भाई साहब वो कैसे भीख मांग मांग कर इतनी अमीर हो गई रे जी। ये बस चिपका लेता है इतनी अमीर कैसे हुई भीख मांग कर। ये पक्की बात है जी जी। तो जो ये भीख मांगना है ना, ये भीख का कटोरा छेद वाला जो कभी नहीं भरता है, ये पाकिस्तानियों की तकदीर बन चुका है। इनके PM भीख मांगेंगे, इनके आर्मी चीफ है वो भीख मांगेंगे, इनकी आवाम भीख मांगेगी, इनकी कौम का बच्चा भीख मांगेगा। यही तो कयामत है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े तंगदिली के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज में मुलावस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीजा बैन कर दो। क्या वो सही कह रहे हैं, पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, क्या वो पाकिस्तानी है? यस दे आर राइट। देखे मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दे रहा था UAE की, UAE में जो हम बेसिक से चलते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना, उससे अगर पहले देखें तो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं UAE में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करें जो कि उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। जिस टाइप से पाकिस्तानियों को हर कंट्री से गेट आउट किया जा रहा है, मुझे लगता है एक दिन इस ब्रह्मांड से ही पाकिस्तान को गेट आउट कर दिया जाएगा। ये तो होगा। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है, जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे बिल्कुल। अल्लाह तौबा।
तो हैं, बिल्कुल हैं, काफी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि कोई वहाँ पे जाके ऐसा कोई काम करना सके, या तो कोई पढ़े लिखे या कोई इंश्योर करवा के भेजे कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कैंपेन या ऐसी चीजें नहीं आती, हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन के उनके ऊपर वीजाज भी बैन नहीं किए जाते बल्कि उनके वीजाज को अनलिमिटेड कर दिया जाता है, क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हमारी पॉलिसीज इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। इंडिया की पावरफुल ही देखे ना, तो लास्ट वीडियोस में मोदी ने अपने 8 इंडियन नेवी जिनको फांसी कतर में देने का ऐलान किया गया था उनको छुड़वा लिया और वापस इंडिया बुला लिया। तो उनका पावरफुल का यही एग्जांपल है कि वो इतने पावरफुल है कि देने वाले फांसी को वापस बुला लिया अपने मुल्क। मैंने वही बात की, पॉलिसीज अगर वीक है ना तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा अपनी हमारे साथ ना, हमें कोई प्रेफरेंस देगा। हमारी पॉलिसीज इतनी वीक है, हमारी कंट्री में कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई, ठीक है, कभी किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए, अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आगे उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी रीजन है जो हमारी ऐसे में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, जिस तरह से इंडिया के 10 ऑलमोस्ट या 5 से 7 ममालिक में पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं और हर जगह पे इंडिया का सिक्का चल रहा है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े मतलब वो चीज़ हो तो वो भी इंडिया की जाती है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे इंडिया ने, मैं पिछले दिन न्यूज़ पढ़ रहा था कि 18 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपीज़ हैं उस पर ट्रेड करने का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अब हमारे पाकिस्तान देख लें, हमारी तो इकोनॉमी इतनी वीक हो रही है, हम तो मतलब ये सोच भी नहीं रहे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी रुपीज में ट्रेड करें, बट उनके 18-20 कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया हुआ है, तो उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब आईटी में वो कितना जा रहे हैं, अब आजकल का दौर जैसे है ही आईटी का, तो आईटी में जितना इंडिया इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट इंडिया का है उतना हमारा बिल्कुल भी नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रेफर कर रही है, ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। अगर हमारे यहाँ कोई करना चाह भी रहा है तो उस पर टैक्सेस और उस पर लिमिटेशंस इतनी है कि हम नहीं कर सकते। मुमालिक इंडिया को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं? कल तक मुस्लिम मुमालिक हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम करते थे, आज वो हिंदू और मुस्लिम के कॉन्सेप्ट से निकल के हिंदू को ही पसंद कर रहे हैं। मेन रीजन इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपको प्रेफरेंस देंगे, चाहे आप जैसे भी हैं, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ज्यूज हैं, जो भी हैं। पाकिस्तानियों की जिस तरह की हरकतें हैं, पाकिस्तानों पे वीजाज बैन किए जा रहे हैं, मुस्लिम मुमालिक भी कर रहे हैं और इंडियंस पे नहीं कर रहे, इस तरह से इंडियंस राज करेंगे दुनिया पे, पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? मुसलमान जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे मोस्टली कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात होती है जेल में डाल देते हैं, ठीक है, उनको कैद कर लेते हैं। बट मैं ये हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर इंडियन का या यूएसए का कोई एक बंदा भी जाके करे तो उनकी इतनी मजाल नहीं है कि वो उनको पकड़ सके। और वो ये तो बिल्कुल बड़ा झटका होगा, क्योंकि फिर न्यूज लोग जो न्यू जॉब है वो कोई जाएगा जो ऑलरेडी वहाँ पे है उनको भी अगर बुला लेंगे तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी रहते हैं जो पहले पैसे लाते थे उस पर फिर पैसे लाएंगे ही नहीं, फिर तो बुरा हाल और हो जाना, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी पाकिस्तान की चल रही है वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको कुछ करना चाहिए इसके इसके लिए, पॉलिसीज जो है पॉलिसीज बनानी चाहिए थोड़ा मतलब इनको ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिससे हर कोई कंट्री जो है कंट्री नहीं है, जापान वाली भी हम लोगों ने बनाई थी, अब वो भी सर पकड़े हुए, दुबई वगैरह की भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए था इस तरह। और ये सारा हो भी इस वजह से रहा है कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, हमेशा से यही हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। दूसरा ये बात है कि जो भी आ रहा है वो खा रहा है, जो भी आ रहा है खा रहा है, अगर एक किसी तरह खाते रहेंगे तो बेचारे जो अमीर है वो तो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, इस तरह अगर होगा तो लोग तो जाएंगे ही, यही काम तो करेंगे ही। बाकी ये वीडियो तो देखते हैं आगे न्यूज़ों में क्या आएगा, ये क्या होगा इसका तब देखते हैं, उस पर फिर बात करेंगे। अभी अगर वीडियो पसंद आए प्लीज चैनल फॉर रिटर्स साथ में जो भी लाइक करें लाइक जरूर करें, हम तो चलेंगे सपोर्ट मिल रहे हैं अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।